नीट 2024 का क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और इसी में वन बाय वन सॉल्यूशन करते जा रहे हैं और सीखते भी जा रहे हैं आगे के लिए कि कैसे प्रिपरेशन किया जाता है एग्ज़ाम का, और इस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। तो इसी में हम लोग बुकलेट नंबर Q2 का, जो बुकलेट नंबर है, अलग अलग बुकलेट होता है उसमें Q2 का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 59 पहुँचे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 का ये क्वेश्चन है और क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5 जो है, अभी मॉडर्न जो नया सिलेबस उसके हिसाब से ओल्ड सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 था ये, और अभी के टाइम में ये चैप्टर नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसमें ये क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ना होता है। एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है, दो कॉम्प्लेक्स हैं और इनमें दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। जैसे पहला बोल रहा है कि ये भी और ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग होगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकलता है चेक करना पड़ेगा। मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग लिगेंड पर और वीक लिगेंड पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। या आप इसको CFT से बना सकते हो, VBT से बना सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन से ही बना सकते हैं इसको। तो कई तरीके हैं बनाने का, हम आपको कोशिश करेंगे इसको कि हाइब्रिडाइजेशन और ये VBT से बना लेते हैं, उसी से बन जाएगा ये, लिगेंड के हिसाब से, लिगेंड फील थ्योरी से बना सकते हो, कई तरीके से इसको बना सकते हैं हम लोग। तो एक आसान तरीका सिखाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि CONH3O6 डायमैग्नेटिक है, जबकि दूसरा वाला पारामैग्नेटिक है। तो पता करने इसमें बोल रहा है क्या कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि दोनों गलत है, या एक सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। तो ये चार इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कैसे पता चलेगा, सीखते हैं हम लोग। इस तरह का क्वेश्चन आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन क्लास में भी करवाया हुआ है। तो क्लास में जो करवाया हुआ क्वेश्चन है वही एकदम एग्जाम में आया है। तो अगर आप लोग मैच कराइएगा तो नोट्स में आपको ये मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस तरह का प्रिपरेशन के लिए आप ऑनलाइन तो क्लास ज्वाइन कर ही सकते हो, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो, और नहीं तो फिर आप ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हो। तो यहाँ देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले आप इसमें कोबाल्ट लीजिए, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्या होता है, CO, एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन लिख देंगे, 18 हो गया, 18 के बाद आएगा 4s, और 4s के बाद आ जाएगा 3d, 4s के बाद इस तरीके से 3d, दिस इज 4s और ये हो गया 3d, और आगे 4p भी होता है, आगे 4p भी होता है, उसके बाद 4d भी होता है, 4p हो गया, उसी तरीके से आगे 4d भी होगा। हमको जितना ज़रूरत है पहले वो सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इन दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है और क्या ऑक्सीडेशन नंबर, ये पता करना चाहिए। देखिए कोबाल्ट का अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है जनरली। तो यहाँ पर कोबाल्ट पे जो चार्ज है वो +3 चार्ज छुपा हुआ है। अगर आपको पता करने सीखना है तो बहुत सिंपल तरीका होता है, कोबाल्ट को मान लीजिए X, ये हम अलग से आपको अलग वीडियो बनाए हुए हैं, उसका भी चैनल का उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो कोबाल्ट को मान लीजिए X, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये चार्ज हो गया 0, और इन दोनों के चार्ज को जोड़ करके सम करके जो टोटल वैल्यू आएगा वहाँ लिखा हुआ, टोटल कितना आएगा 3, तो X का वैल्यू कितना मिला 3, और X किसका चार्ज माने थे कोबाल्ट का, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 के फॉर्म में, कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, +3 का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। दूसरा, दूसरे कॉम्प्लेक्स में देखिए, दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी कोबाल्ट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर रहा है। कैसे, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, 6 फ्लोरीन 6 बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा, तो जो एलिमेंट जो कोबाल्ट 6 बॉन्ड बनाएगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा, उस कोबाल्ट पे चार्ज होगा +3, यहाँ पर कोबाल्ट पे +3 चार्ज है। अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करिएगा, कोबाल्ट को मान लीजिए एक्स, फिर प्लस करिए, एक फ्लोरीन होता है -1 चार्ज वाला, तो एक फ्लोरीन पे एक माइनस, 6 फ्लोरीन पे 6 माइनस, इन दोनों के चार्ज को सम करिए, सम करने के बाद जोड़ने के बाद इस पूरे पे कितना चार्ज है -3, इक्वल टू में क्या रखिए -3, -6 को उधर भेज दीजिए क्या हो जाएगा +6, तो फिर एक्स कितना आता हुआ दिख रहा है +3, इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स में भी कोबाल्ट पे कितना चार्ज है +3 चार्ज है। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, ये पता चल चुका है। अब अगर कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा आप, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है कोबाल्ट का, यहाँ होगा 4s2, आर्गन हो गया 18, यहाँ हो गया 2, 20 हो गया, बचा कितना 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गया।
लेकिन ये तो कोबाल्ट का हुआ है, हम लोगों को कोबाल्ट का नहीं पता करना है, कोबाल्ट प्लस थ्री का पता करना है। इसका मतलब है कोबाल्ट पे तीन पॉजिटिव चार्ज है, तो तीन इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, तो लॉस कहाँ से करेगा? थर्ड ऑर्बिट है थ्री, फोर्थ ऑर्बिट है फोर, तो फोर्थ से लॉस करेगा, फोर्थ हुआ आउटर मोस्ट शेयर, तो फोर्थ से लॉस करेगा, तो दो देखिए यहाँ से लॉस कर देगा और एक यहाँ से लॉस करेगा, तो एक यहाँ से लॉस करेगा तो पेयर्ड वाले को अनपेयर्ड कर देंगे। अब हो गया ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको क्या करना है कि देखना है जो लिगेंड बॉन्ड बना रहा है वो स्ट्रांग है कि वीक है। तो NH3 एक स्ट्रांग लिगेंड है और F जो है एक वीक लिगेंड है। तो जो स्ट्रांग लिगेंड है वो क्या करता है, बॉन्ड बनाने टाइम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर्ड कर देगा, डी एक्साइट करवा देगा, यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, और जो वीक लिगेंड है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो अगर वीक लिगेंड कुछ नहीं करेगा तो फ्लोरीन आकर के किससे बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन इस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, इससे बनाएगा, इससे बनाएगा, इससे बनाएगा, इससे बनाएगा, इससे बनाएगा, छह ऑर्बिटल हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, एक हो गया एस, तीन हो गया पी और दो हो गया डी, एस पी थ्री डी टू। और एस पी थ्री डी टू का ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, तो वही बात बोल रहा था। और इसमें कितना अनपेयर्ड मिलेगा, 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हुआ, 4। ये किस केस में बात कर रहे हैं, COF6 के केस में बात कर रहे हैं। अभी सेम चीज अगर मान लीजिए आप बात करोगे CONH3 के केस में, तो NH3 में NH3 कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, F- कैसा लिगेंड हुआ, वीक लिगेंड। वीक लिगेंड क्या करेगा, सिंपल डायरेक्ट आके बॉन्ड बनाएगा। और NH3 कैसा है, NH3 एक न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर्ड को पेयर्ड करेगा, डी एक्साइट करवाएगा। तो ये क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा और इसको यहाँ भेज देगा, तो यहाँ से ये खाली हो जाएगा। अब सोचिए कितना कितना ऑर्बिटल खाली बचा, एक इसका, दो इसका, इधर छः चाहिए, छः NH3 है, छः ऑर्बिटल चाहिए। ये थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट का पहला बॉन्ड बनाएगा ये थ्री वाला, थर्ड ऑर्बिट का बॉन्ड बन जाएगा तो फिर चौथा ऑर्बिट बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन पता करना चाहेंगे तो पहले लिखेंगे थर्ड का, फिर लिखेंगे फोर्थ का, थर्ड में दो डी हो जाएगा डी टू, फिर एक एस, एस एक दो तीन हो गया, चार पाँच छः, छः बॉन्ड चाहिए, तो डी टू एस पी थ्री, तीन पी डी टू एस पी थ्री। और अगर इसमें n देखिएगा, n नंबर ऑफ अनपेयर टर्न, तो अनपेयर तो बचा ही नहीं, तो अनपेयर कितना आया, जीरो। इसका मतलब NH3 वाले केस में अनपेयर का वैल्यू जीरो है, जबकि COF6 के केस में अनपेयर का वैल्यू फोर है। तो ये हो गया एक तरीके से पैरामैग्नेटिक, ये हो गया एक तरीके से डायमैग्नेटिक। अब समझिए क्वेश्चन जो कह रहा था, ये जैसे बनता है वो सिखा दिया आपको, कोई CFT लगाने की जरूरत नहीं, इसी से बन जाएगा। दोनों कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, कैसे पता चला, sp3d2 हो या d2sp3 हो, ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। अगर sp3d2 है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, d2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दोनों ऑक्टाहेड्रल है लेकिन दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर सही है, अलग अलग है, मैग्नेटिक बिहेवियर डिफर कर रहा है, तो सही बात है, एक पारा है और एक डाई है। अब यहां कह रहा है कि CONH3O6 है डायमैग्नेटिक, सही बात है, अनपेयर्ड जीरो है, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है, जबकि COF6 एक पैरामैग्नेटिक है, तो इसमें अनपेयर्ड है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है, तो स्टेटमेंट टू भी सही है, तो स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है। तो कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टेटल बट डिफाइन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग है, एक पारा एक डाई है, तो सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना एक्सप्लेन किया आपको ताकि आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर सको, तो काफ़ी इजी होता है। आप चैनल से जुड़ रहिए सब्सक्राइब करके, यहाँ आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा दिया जाएगा, और या फिर ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो, आसानी से नीट क्वालिफाई हो जाएगा आप लोगों से, बस अपने मेहनत पे मेहनत करिए और क्लास रेगुलर अटेंड करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू।